What's up YouTube? कसा काय केम चोकी हालचाल कैसे है आप सब? Welcome back to my channel Bikes Food and Fun. वैसे मानना पड़ेगा इस साल का बेस्ट बैट्समैन तो अपना कैरी नाइट ही निकला यार. क्या छक्के मारे? Well, actually, by the way, who are you? ये चैनल मेरा है. Excuse me? ये चैनल मेरा है. मेरा है. तेजा मैं हूँ. अबे तेजा मैं हूँ. तेजा मैं हूँ. मार्क किधर है? भाड़ में गया मार्क. मैं इधर हूँ यार. मैं तेजा हूँ. मार्क किधर है? मैं तेजा हूँ. ये तेजा तेजा क्या है? ये तेजा तेजा. ओके हम भी ये तेजा तेजा रोक देते हैं और बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ. आज का टॉपिक भी मेरे प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है. जैसे कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा. वेट, अगर अब तक आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक यहां है. वेल, माय प्रीवियस वीडियो वाज अबाउट इफ बाइक्स कुड टॉक. आज भी हम वो कंटिन्यू करेंगे. आज का हमारा वीडियो है इफ बाइक्स कुड टॉक वॉल्यूम 2. देखते हैं आज हम बाइक से बातें करते हैं तो क्या होता है. अच्छी बातें होती है, अगेन झगड़े होते हैं या फिर मारामारी होती है. वेल, एक्चुअली मारामारी नहीं करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट द रंबल बिगिन. सो आज के हमारे पहले गेस्ट है होंडा स्टनर. वेट, वो आई थिंक इट्स होंडा इग्नाइटर. एक्चुअली दे बोथ लुक द सेम. हे, मैंने आपका लास्ट वीडियो देखा था. हाँ, आपने सब बाइक को काफी अच्छी तरह इंट्रोड्यूस किया था, फिर मेरे साथ ये बदसलूकी क्यों? हाँ, आई एम सॉरी. वैसे मेरा कोई बदसलूकी करने का इरादा नहीं था. एक्चुअली यू बोथ लुक क्वाइट सेम. आई एम द ओरिजिनल वन. हाँ, हीरो की जायज औलाद. इन फैक्ट आई एम टी 125cc प्रीमियम बाइक. हाँ, बट होंडा स्टनर तो आपसे बहुत पहले लॉन्च हुई थी. इनफैक्ट होंडा स्टनर ने ही 125cc प्रीमियम सेगमेंट क्रिएट किया था. hey, मैंने कहा ना आई एम द ओरिजिनल वन. ये तो बस हीरो ने चेक करने के लिए 125 प्रीमियम सेगमेंट कैसे वर्क कर दिया उसे पहले लॉन्च कर दिया था. बट आई एम द ओरिजिनल. हीरो की जायज औलाद और वो नाजायज है. बट होंडा स्टनर की सेल्स काफी अच्छी रही थी. इनफैक्ट आप कभी उस सेल्स फिगर्स को मैच नहीं कर पाए. वो कुछ भी हो, आई एम द ओरिजिनल हीरो इग्नाइटर. ओके ये क्या? इट्स होंडा स्टनर हियर. वेलकम. बाय द वे, ये यहां क्या कर रहा है? इसका शेड्यूल तो होंडा इग्नाइटर के बाद होना था. गई भैंस पानी में. अब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे. तुम सिर्फ कपूर एंड सन हो और मैं कपूर एंड रियल सन हूं. रियल चायज. तू हद पार कर रहा है चिंटू. हद तो मेरे बाप ने पार की थी. ब्रदर पैदा कर दिया. That too from a different mother. लेकिन मेरा जन्म पहले हुआ था. Well, there was nothing official about it. मेरी direct delivery हुई थी. मेरी पहली delivery हुई थी. तू अपने आप को इतना बड़ा मत समझ. जब से तू पैदा हुआ है तब से तू चिट्टू है. चिट्टू. इससे आगे इनका चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते. ये बाइक्स ने तो मेरे चैनल को पार्लियामेंट समझ रखा और खुद को मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. यहाँ पे भी वही हो रहा है जो वहाँ पे होता है. ए देवा. ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा. मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा. फिलहाल हम हीरो इग्नाइटर और होंडा स्टनर को इनके हाथ पे छोड़ देते हैं. आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा ही होगा. उस वीडियो में हमने बातें की थी यामा R15 से और कुछ सवाल पूछे थे. उनमें से एक सवाल था KTM RC390 के बारे में और उसका यामा R15 ने रिप्लाई भी दिया था. हमारे प्रीवियस वीडियो की क्लिप ये रही. बट नाउ अ डेज लॉट्स ऑफ यूथ जिन्हें एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदनी है वो RC390 को अपनी प्रेफरेंस देते हैं. व्हाट यू से अबाउट दैट? व्हाट, KTM RC390? कम ऑन, इट माइट हैव द बिगर इंजन बट डज दैट हैव अ रिफाइनमेंट एज गुड एज मी? नो. आई वॉज, आई एम एंड आई विल बी द नंबर वन स्पोर्ट्स बाइक इन इंडिया दैट वॉज एवर मेड फॉर मासेस. Did you get that? जैसे कि आपने देखा यामा R15 ने KTM RC390 के बारे में कुछ बातें की थी. वेल, इसी के ऊपर हमें KTM RC390 का रिप्लाई आ गया है. वेल, क्या रिप्लाई भेजा है? आप सबको माइक ड्रॉप ये टर्म पता ही होगा. अगर नहीं पता तो देखिए KTM RC390 का रिप्लाई. R15 छोटे, तूने कुछ ज्यादा ही बातें कर दी. इस पे मेरा रिप्लाई तो बनता ही है. तो सुन मेरा रिप्लाई छोटे. और सुन मिस्टर R15, अपन तेरा बड़ा भाई. यू 156 से मिल
टेक अ चिल पिल, मैं हूँ 390 सीसी, सबकी स्पोर्ट्स बाइक देसी, तेरी तो ऐसी की तैसी, परफॉर्मेंस नहीं तेरी मेरे जैसी, माइक ड्रॉप। That was quite a savage reply. It's kind of cool, my boy. इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट बाइक की तरफ। हमारी नेक्स्ट बाइक है मिस हीरो अचीवर। Well, thank you for having me in your show. मुझे अच्छा लगा शो में आके। आपको हीरो ने 150 सीसी सेगमेंट में लॉन्च किया था, जो कि सबसे कॉम्पिटिटिव सेगमेंट थी, जबकि हीरो की ऑलरेडी एक्सट्रीम और हंक इस सेगमेंट में मौजूद थी। Well, हीरो को ऐसा लगता था कि मैं तो 150 सीसी कॉमिटर बाइक हूँ, होंडा यूनिकॉर्न की कॉम्पिटिटर, और ये जो हंग और एक्सट्रीम है ये दोनों स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं। हालांकि सिर्फ हीरो को ऐसे लगा था ये दोनों स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं और बाकी किसी ने ये फील ही नहीं किया। और इसी तरह हीरो की 150 सीसी लाइनअप बढ़ती चली गई और इसमें सिर्फ एक्सट्रीम हंग ही नहीं थी, अब इसमें मैं भी जुड़ गई थी। बट आपका सेल्स रेव उतना अच्छा नहीं रहा कम्पेयर टू अदर 150 सीसी बाइक्स ऑफ हीरो, जैसे कि एक्सट्रीम और हंग। और जैसे कि आपने कहा कि आप होंडा यूनिकॉर्न के कॉम्पिटिटर थे और 150 सीसी कम्यूटर, लेकिन अगर मैं सेल्स ग्राफ देखूं होंडा यूनिकॉर्न का और आपका, तो आप होंडा यूनिकॉर्न के आसपास भी नहीं हो। क्या लगता है आपको हीरो की क्या स्ट्रेटेजी थी आपके लिए? मेरे लिए हीरो की स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी थी, बिल्कुल ही ऐसी, that लगता है हमने मिस अचीवर के दुखती रग पर पाव रख दिया है, कोई इसको संभालो रे। लगता है हमें ये वीडियो यहीं पे रोकना होगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।